जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बजाय बीजेपी के लोग राज्यपाल के पास जाते हैं क्योंकि राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, संजय राउत जी के पास बहुत टाइम है और आप लोगों को खबर नहीं होती तो आप उनके तक पहुंच जाते हैं, और वो कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दूं। वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हम उन तक जाते हैं। देखो ऐसा है ना, अगर हम चले जाए तो बीजेपी के नेता, और आप कमर से झुककर उनको जब प्रणाम करते तो किसके नेता होते? रश्मि शुक्ला बीजेपी की एजेंट, इस तरह का आरोप लगाया सर। मुख्यमंत्री को इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत है इस विषय पर बात करने? देखिए, मुख्यमंत्री ये प्रमुख है, उन्होंने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो जानते कि इस पर बात करना उनके लिए कठिन है, और अगर इस पर वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी, जांच के आदेश देने पड़ेंगे, जो देना नहीं चाहते। अपनी सरकार को बचाने के लिए, हफ्ताखोरी को बचाने के लिए ये सारा मामला चल रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि संजय राउत तो कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, उनकी बात को सरकार की बात तो नहीं माना जा सकता, वो कोई सरकारी थोड़ी है, और इसलिए सरकार की ओर से कौन बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है?